फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ सर्टिफिकेट। तो मैं पहले हर बार ज़रा आपको दिखा देता हूँ कि हम बनाने के क्या वाले हैं। तो हम सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं, जो कुछ ऐसा रहेगा हमारा, एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट रहेगा जिसे आप MS वर्ड से आप बना सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट हुआ, या कंप्यूटर का हुआ, या कोई कंपनी का हुआ, या स्कूल का हुआ। तो इस चीज़ को बनाने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्टेप रहेगा, तो मैं आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना है विंडोज प्लस R बटन दबाना है, और उसमें बिनवर्ट टाइप करिएगा और ये ओपन होगा। ये MS वर्ड 2013 वर्जन है। जो मैं बताने चल रहा हूँ, ये सभी वर्जन में काम करेगा 2007 से। बाकी जो वर्जन आया है, अभी लेटेस्ट वर्जन 2023 आया है, तो उसको भी आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा जिसमें हमको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पेज पर ओके करना है। इस पर हम ओके कर दें। इसके बाद हमको पेज सेटिंग करनी पड़ेगी। पेज सेटिंग करने के लिए पेज लेआउट मेनू में जा करके मार्जिन विकल्प पर ओके करेंगे। फिर यहाँ पर हमको कस्टम मार्जिन विकल्प ओके करना है, और इसके चारों तरफ 0.5 टाइप करिएगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और टाइप करके ओके कर दीजिएगा। अब इसमें दोस्तों को एक नॉर्मल बॉर्डर लगाना है, ज़्यादा डिजाइनिंग नॉर्मल लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए डिजाइन मेनू में जा करके यहाँ पेज बॉर्डर मिलेगा, इस पर ओके करेंगे। यहाँ हमको कुछ बॉर्डर मिलते हैं, यहाँ रहेगा कुछ, यहाँ पर नन है, यहाँ कुछ स्टाइलिड बॉर्डर हैं जिसे हम देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बॉर्डर हैं। तो हम इस किसी पे एक पेज से ओके कर देंगे। तो जो दोस्तों आपको बढ़िया लगे उसी पे ओके कर दीजिएगा, और यहाँ से ऐसे ओके कर दीजिएगा। अब ये देखिए, काफ़ी पावरफुल लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, और आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। बॉर्डर पे जाइएगा, जिसे आपको ये आर्ट वाला बॉर्डर नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं स्टाइल में जा कर के, और बॉक्स ओके करिए और ओके कर दीजिएगा। आपको सिंपल बॉर्डर मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आप वैसे लगा सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। इसके करने के बाद दोस्तों आपको होम मेनू में आना है, और यहाँ पे आपको इंटर प्रेस करते हुए आपको इसको आधा कर देना है। और यहाँ सबसे पहले हम इसमें लोगो लगाएंगे। तो लोगो हम लगाने के लिए इंसर्ट मेनू में जाएंगे और पिक्चर विकल्प ओके करेंगे। फिर जहाँ हम अपना लोगो रखे रहेंगे उस पर ओके करेंगे, और इसमें हम अपना लोगो लगाएंगे। और हमने लोगो सिलेक्ट कर लिया है, और ये लोगो को छोट कैसे करेंगे और इसको मूव कैसे करेंगे इसको देखिएगा। आप यहाँ इस पर ओके करेंगे तो एक मेनू नया आ जाता है, और फिर रैप टेस्ट में जा करके इन फ्राम टाप टेस्ट पिकल पर ओके करेंगे, इसको कॉर्नर से ऐसा छोटा कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, इसको ले जाकर ऐसे सेट कर देंगे। ऐसे ही सभी प्रकार के जितने इसमें लोगो हैं, आप ऐसे ही बारी बारी से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ जाकर रैप टेस्ट कर दीजिएगा, ये दोस्तों बढ़िया सेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज सेट करना पड़ेगा। पहले हम फॉन्ट स्टाइल देख लेते हैं, कौन सा फॉन्ट में बनाना है। और यहाँ पे काफ़ी फॉन्ट है हमारे पास, तो इसमें कंब्रिया फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं, कंब्रिया। और इस पर ओके करेंगे, बोल्ड करेंगे, और इसको बीच में करेंगे, और इसका साइज़ यहाँ बढ़ा देंगे, इसका 16 कर देंगे। और यहाँ से दोस्तों कलर इसका हम ब्लू कर देंगे। ब्लू करने के बाद दोस्तों अब इसमें टाइप करेंगे। तो दोस्तों जो इसका सर्टिफाइड है इसको हम लिख देते हैं। सर्टिफाइड ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इसमें बाद दोस्तों हम इसमें नाम लिखेंगे जो हमारा संस्थान का है। तो यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे वर्ड हैं, आपको जिसमें अच्छा लगे उसमें लिख दीजिएगा। और यहाँ पे हम ये फॉन्ट यूज करने वाले हैं, इसको हम 24 कर देते हैं, और यहाँ से कलर कर देते हैं। दोस्तों पहले से काफ़ी बोल्ट है, तो इसको बोल्ट को हम हटा देते हैं।
कुछ फॉन्ट रहते हैं काफ़ी पहले से काफ़ी बोल देते हैं। हमने नाम टाइप कर दिया, ओके करते हैं। इसकी साइज़ को हम कम कर देते हैं 16 कर दे, और इसको हम इटैलिक कर देते हैं और फॉन्ट को चेंज करते हैं, और इसमें हम शुरू करते हैं इसको कलर चेंज करके इसको हम ब्लू करते हैं, और इसमें टाइप करेंगे ए यूनिट यूनिट ऑफ सम्राट एजुकेशन ट्रस्ट। तो दोस्तों इसको हम बना लिए हैं और इसको इटैलिक भी कर दे रहे हैं, काफ़ी पहले से अच्छा लग रहा है। और दोस्तों आप जैसे फॉन्ट लिख लिए हैं उसको चेंजिंग करना है तो आप यहाँ जाकर उसको बाद में बदल भी सकते हैं, इसे अब बढ़िया नहीं लग रहा है तो आप इसको छोटा वगैरह कर सकते हैं और अपना जो डिज़ाइन देना हो उसको दे सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमको एक रेक्टेंगल में पट्टी वगैरह लिखना है, बनाना है। ये बने कैसे, आपको सबसे पहले इंसर्ट मेनू में जा करके शेप्स विकल्प ओके करना है और यहाँ रेक्टेंगल ओके करना है। इस रेक्टेंगल को इसमें टच करके इसमें इस बॉर्डर में टच करना है। अब इसको दोस्तों दो कलर करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा शेप फील में, यहाँ ग्रेडियंट है, यहाँ पर मोर ग्रेडियंट है, और यहाँ फिर ग्रेडियंट ओके करिएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे बने हुए हैं, हमको वाइट वाइट को जो दाएँ दाएँ किनारे किनारे इसको वाइट कर दीजिएगा कलर को, और बीच में कोई एक कलर डाल दीजिएगा। इसमें यहाँ पे रेड डाल दे रहा हूँ और यहाँ भी रेड कर दे रहा हूँ। और यहाँ दोस्तों आप फंक्शन को यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा और इसको कुछ ऐसा कर दीजिएगा, आप कुछ ऐसा बन जाएगा। और दोस्तों जो इसमें बॉर्डर लगा वो बॉर्डर को हटाने के लिए शेप आउटलाइन में जा करके आउट नो आउटलाइन पर ओके कर दीजिएगा, या हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों लिखने के लिए माउस के राइट बटन दबाना है, ऐड टेक्स्ट पर ओके करिएगा, और दोस्तों ये लिखना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से हम आप आकर फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेंगे और इसमें टाइप करते हैं रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट SME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हमने अपना जो लिखना था हम टाइप कर लिया। इसके बाद दोस्तों हम इसमें सर्टिफिकेट वाला बनाएंगे। सर्टिफिकेट का सिस्टम बनाने के लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा, सेव विकल्प में जाना है, और जाने के बाद यहाँ पे ये राउंड वाला रेक्टेंगल लेना है आपको। ऐसे माउस लेफ्ट बटन दबा ड्रैग करिएगा और दोस्तों यहाँ से इसको कलर कर लीजिएगा। कलर करने के बाद इसको एक कलर और कर लीजिएगा, इसको हम हरा कर देते हैं। और दोस्तों इसको कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा कर इसको खींचिएगा, कॉपी हो जाएगा। अब इसको एक कलर इसका ब्लैक कर देते हैं हम साइडों निकालने के लिए। अब दोस्तों इसको जाके ऐसे एडजस्ट करना है और इस पर लिखने के लिए माउस के राइट बटन दबाना है, ऐड टेक्स्ट पर ओके करिएगा, और यहाँ से फॉन्ट वगैरह बड़ा करके टेक्स्ट को वाइट करना है। वाइट करने के बाद आप इसमें लिखना है स्टार्ट कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट। और दोस्तों इसका जैसे फॉन्ट अच्छा ना लग रहा है तो दोस्तों एक ही फॉन्ट सभी जगह नहीं यूज करिएगा, जहाँ आप जैसे लगे कि ठीक है लग रहा है तो उसे छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों इसको मैं फॉन्ट बदल दे रहा हूँ, यहाँ पर इसका फॉन्ट हम कुछ ये कर दे रहे हैं। ये फॉन्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इतना छोटा सही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, हमको दोस्तों यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है। तो फ़ोटो लगे कैसे, इंसर्ट मेनू में जाइएगा, पहले फ़ोटो का साइज़ का एक रेक्टेंगल खींचिएगा। आप दोस्तों यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल खींच लीजिएगा। रेक्टेंगल खींचने के बाद दोस्तों इसके अंदर फोटो लाने के लिए आप माउस, दोस्तों इस रेक्टेंगल के अंदर फ़ोटो लगाने के लिए इस पर माउस के राइट बटन दबाइएगा, फिल विकल्प में जा करके पिक्चर विकल्प पर ओके करिएगा, और जहाँ फिर उसके बाद वर्क ऑफलाइन पर ओके करिएगा। जहाँ पर आप इसका फ़ोटो वगैरह रखे रहेंगे वहाँ पर आपको जाइएगा,
उस पर ओके कर दीजिएगा, फिर इंसर्ट कर दीजिएगा, ये फ़ोटो दोस्तों आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें बचा इसे फिर लिखना, तो लिखना पहले आपको पता है इसमें देखा लिखने में डिज़ाइन चेंज करना है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपको लिखने के लिए यहाँ पे एक फॉन्ट यूज़ करिएगा, एरियल काफ़ी बढ़िया फॉन्ट है, तो जो हाईलाइट रहेगा उसको बोल्ड में रहेगा, तो हम इसको बोल्ड में कर देते हैं। इसमें दोस्तों इसकी एक आईडी लिखना पड़ता है, जो आपका रोल नंबर वगैरह रहेगा, और उसके बाद दोस्तों जिसकी साइज़ है 14 है, हम इसको अभी एक अपने अकॉर्डिंग और इसको कम करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे और दोस्तों इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, और यहाँ दोस्तों बड़ा कर देते कि आपको स्पष्ट दिखता रहे। और दोस्तों यहाँ पे और कोई भी लोगो लगा सकते हैं आप, जो आपको ठीक लगेगा। और दोस्तों इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, और इसको अभी बोल्ट नहीं करेंगे, इसको बोल्ट हटा देते हैं, और इसको ऐसे सिलेक्ट करके बोल्ट करना है दोस्तों। आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिएगा और बोल्ट कर दीजिएगा और इंटर प्रेस करिएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है सेंटर, इस पर ओके करिएगा और इसको टाइप कर दीजिएगा। दोस्तों मैं वीडियो को भगा के नहीं दिखाता हूँ, पूरा आपको दोस्तों कंप्लीट वीडियो को दिखाता हूँ, जिससे आपको सभी चीज़ें समझ में आ पाए। तो दोस्तों वीडियो को आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसे इसमें हम कोई भी चीज़ एम एस वर्ड में टाइप करते हैं तो हमसे क्या होता है, गलत हो जाता है, तो यह हमसे गलत हो जाता है, तो इसको सही कैसे करेंगे इसको भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों हमने इसको काफ़ी टाइम कर दिया है, अब इसमें लगाना हमको बारकोड दोस्तों, जो इंसर्ट में जाके पिक्चर विकल्प ओके करेंगे और बारकोड ओके करेंगे, फिर यहाँ पे एक दोस्तों मेनू आ जाता है रैप टेस्ट, इस पर जाकर इन फ्रंट आप टेस्ट कर दीजिएगा और इसको हम सेट कर दे रहे हैं। तो दोस्तों जो बारकोड होता है ये ऑनलाइन बनता है, आजकल अधिकतर सर्टिफिकेट ऑनलाइन बन जा रहे हैं, हमको जैसे ऑफलाइन बनाना हो तो दोस्तों कैसे करेंगे, तो दोस्तों आप एम एस वर्ड से ऐसे अच्छे से सर्टिफिकेट ऑफलाइन आप बना सकते हैं एम एस वर्ड से। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।